हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम केतन दत्त शर्मा है और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो आज हम लेके आए हैं आपको मारुति सुजुकी के नेक्सा शोरूम में, जो कि फरीदाबाद में मेवला महाराजपुर गांव के पास में स्थित है। और लेके चलते हैं आपको सीधा अंदर शोरूम के और दिखाते हैं आपको बलिनो 2022 का अल्फा मॉडल, जो कि टॉप मॉडल होता है। इसमें 360 डिग्री कैमरा आता है और HUD डिस्प्ले आती है। तो चलिए शुरू करते हैं कार के साथ में। तो ये रही हमारी न्यू एज बलिनो 2022। इसके फ्रंट में आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा सुजुकी का लोगो है, साइज़ में काफ़ी बड़ा होता जा रहा है और अच्छे ब्रांड की तरह। एंड यहाँ पर देखा जाए तो नीचे आपको मिलती है आपको क्रोम ग्रिल, उसके साथ में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प और हेलोजन इंडिकेटर। वाओ, DRL बहुत ही सुंदर लग रहे हैं आइस क्यूब डिज़ाइन में। और उसके नीचे मिलता है आपको फॉग लैम्प। तो बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले आप जल्दी से ना वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मतलब बरसात कर दो सब्सक्राइबर की, क्या बात है। कार को हर चीज़ आपको क्लोज अप व्यू में दिखाई जाएगी, चाहे आप बात करो इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प के बारे में, ग्रिल के बारे में, या मारुति सुजुकी के लोगों के बारे में। और इसकी क्रोम ग्रिल तो बहुत ही मज़ेदार लग रही है, और ये न्यू डिज़ाइन के जो अलॉय आए हैं वो इसके लोग और ही बहुत ज़्यादा एनहांस कर रहे हैं। देख लो पहले कार का एक्सटीरियर देख लो आराम से, उसके बाद में हम भी आपको दिखाएंगे HUD। यस, इसी वीडियो में आपको HUD देखने को मिलेगी। और ये है सामने इसकी आइस क्यूब टेल लैम्प, जो कि रेड कलर की LED के साथ में आती है, और हेलोजन बल्ब हैं इसमें, इंडिकेटर और रियर लाइट के साथ में। क्या ही कहने इसके, बहुत ही लुक को इसके एनहांस कर दिया है, एकदम प्रीमियम बना दिया है। सेंटर में है सुजुकी का लोगो और उसी के नीचे कैमरा, और उसके ऊपर रियर वाइपर, डिफॉगर रियर विंडशील्ड पे, और नेक्सा की बैजिंग। बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है। और यहीं पे नीचे मिलेंगे आपको इसके रियर पार्किंग सेंसर, जो कि 4 आते हैं, रिफ्लेक्टर्स जो कि ट्रेडिशनल है, भाई साहब इतनी ज्यादा भीड़ ना किसी भी कार के लॉन्च इवेंट में नहीं देखी मैंने इंडिया में, मजा आ गया भाई। ह्यूज क्राउड, अल्टीमेट कार, अल्टीमेट क्राउड। तो विदाउट एनी अडू आपको लेके चलते हैं कार के अंदर। रिक्वेस्ट सेंसर ऑन डोर हैंडल, पावर विंडो के एक्सेस, लॉक अनलॉक बटन ऑन क्रोम फिनिश, और सॉफ्ट टच। ये है को पायलट साइड का AC वेंट, जो कि यहाँ पे आपको डुअल टोन नज़र आता है। बहुत ही प्रीमियम इंटीरियर बनाया है इसका। सेंटर में है इंफोटेनमेंट का डिस्प्ले, उसके नीचे आपके AC वेंट। टेक्नोलॉजी पहली बार आई है ना किसी कार में, वही टेक्नोलॉजी है HUD जिसके लोग कस्टमर अट्रैक्ट हो रहे हैं। गाइज, ये हेड्स अप डिस्प्ले की वीडियो हमारे फ्रेंड द कपिल चंदेला जी ने प्रोवाइड कराई है, इनका यूट्यूब चैनल भी है। सो बहुत बहुत धन्यवाद भाई को। तो लेके चलते हैं आपको कार के अलॉय व्हील की तरफ, बहुत ही बढ़िया लुक में आते हैं, जिसमें कि आपको 195/55 R16 का टायर ऑफर किया गया है। बहुत ही बढ़िया टायर है, एकदम रोड पे ग्रिप बनाएगा, वाइड टायर है। सर, इसमें आपको थाई सपोर्ट कैसा फील हो रहा है? थाई सपोर्ट ठीक है, ठीक है। और आपके प्रॉपर टच हो रही है सीट नीचे? मैं 5'10" हूं तो मेरा प्रॉपर आ रहा है। आप 5'10" हैं? हां 5'10" हूं तो मुझे प्रॉपर लग रहा है, अच्छा है। ओके, आपको रियर सीट भी मतलब कंफर्टेबल लग रही है? अच्छी, और स्पेस कैसा लग रहा है पीछे? वो नहीं है बाकी, स्पेस अच्छा, स्पेशियस है, स्पेशियस है। दो आदमी एकदम, बड़े आदमी के लिए अच्छा, 3 के लिए भी हो जाएगा, मतलब बच्चा भी बैठा सकते हैं, बच्चा बैठा सकते हैं इसमें। ओके, एंड ये पीछे की तरफ है, ये क्या क्या दिया है इधर इसमें? मैं अभी आया हूँ, इसमें AC ग्रिल है ये, अच्छा रियर से बैंड है, और शायद 2 पॉइंट उसके हैं चार्जिंग के। ओके परफेक्ट। ड्राइविंग साइड से एंट्री लेने पर ऑल पावर विंडो कंट्रोल, ORVM के कंट्रोल, और क्रोम फिनिश के साथ में डोर लॉक अनलॉक बटन।
और ये है इसका कुछ स्टेयरिंग व्यू, यहाँ से आपको दिखाते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एसी वेंट, एंड आपको मिल जाएगा एचयूडी ऑन करने का बटन, बाकी क्रूज कंट्रोल के एक्सेस हैं यहाँ पे, स्टेयरिंग पे आपको इंफोटेनमेंट एंड क्रूज कंट्रोल के एक्सेस मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं जितने भी दरवाजे खोलेंगे उतने ही आपको ओपन नज़र आएंगे। बहुत ही प्यारा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसमें के आरपीएम मीटर और स्पीडोमीटर दोनों हैं। स्विफ्ट का आपके स्टेयरिंग दे दिया है इसमें आपको। ये है एचयूडी डिस्प्ले की जगह जो कि बहुत बार दिखा चुके हैं आपको, और की अट्रैक्शन पॉइंट यही है इस वीडियो में इस कार से रिलेटेड। ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, काफ़ी बिग स्क्रीन है और अब के पहले से थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी तरफ निकली हुई है, एंड एसी वेंट है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोमेटिक एसी है। ऑटोमेटिक एसी के नोब बहुत ही डिफरेंट है, गियर स्टिक है, और आगे देखते हैं तो 12 वोल्ट का सॉकेट है, ये ट्रेडिशनल हमारा हैंड ब्रेक लीवर, और ये है हमारा इसके आर्म रेस्ट जिसमें कि काफ़ी सारा स्पेस है। ये 12 वोल्ट की तरफ बढ़ते हैं, रूफ माउंटिंग की तो बात करें, ये है IRVM ऑटोमेटिक एंड हेलोजन लाइट एंड माइक के लिए ग्रिल। सन शेड्स की बात करें तो ड्राइविंग साइड ही आपको मिलता है, ओ माय गॉड, मिरर, वैनिटी मिरर एंड विद लाइट, माय गॉड, कमाल ही कर दिया, मतलब दिखा दिया कि ये बलिनो का अल्फा मॉडल है, एकदम प्रीमियम चीज है 2022 की, व्हाट अ लुक, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं, को पायलट साइड का चेक करते हैं। भाई वाह, को पायलट साइड के सनशेड में भी आपको वैनिटी मिरर विद लाइट दिया गया है, अमेजिंग अमेजिंग वर्क है। बहुत ही प्रीमियम फिनिश का इंटीरियर है, एकदम सिमेट्री नजर आती है, अल्टीमेट। लो जी, एक बार फिर से आपको दिखाते हैं ड्राइविंग साइड का गेट, इसमें क्या क्या मिलता है। बहुत ही सॉफ्ट टच के साथ में आर्म रेस्ट आता है, बहुत ही बढ़िया पियानो फिनिश की फिनिशिंग है। उसी के ऊपर मिलते हैं आपको ऑल पावर विंडो के एक्सेस, डोर लॉक अनलॉक बटन, ORVM लॉक अनलॉक बटन, एंड उनको एडजस्ट करने के लिए नोब, बहुत ही बढ़िया। क्रोम फिनिश के साथ में है डोर लॉक अनलॉक बटन। बॉटल होल्डर एंड स्पीकर ग्रिल। बढ़ते हैं इसके ग्लोव बॉक्स की तरफ, देखते हैं ओपन करके। ठीक है, काफी डिसेंट है, काफी सामान आ सकता है इसके अंदर। मारुति ने ना आपके पता है एप्पल को पीछे कर दिया, एप्पल प्रोडक्ट के लिए इतनी भीड़ उमड़ती थी है। और इसमें नीचे से वो भी दिया है कवर, सबसे बड़ी बात है कवर दिया भाई, अंदर डस्ट कम आएगी, मतलब पहले ओपन होगा मानना पड़ेगा, वो एप्पल को पीछे कर दिया क्राउड को खींचने में ना।